तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है संख्याएं 6-7, 8-9, 12 और -10 का योग ज्ञात करना है। यानी कि आपको 6 और -7 और 8 -9 12 और -10, इनको आपको सबको ऐड करना है। जब ऐड करने जाएंगे तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगी। देखिए यहाँ प्लस लगाना है बस, ठीक है, ये प्लस लग गया है। अब यानी कि इन सबको ऐड करना है तो प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस का 7, प्लस का 8 और ये प्लस माइनस -9, प्लस 12 है, प्लस माइनस -10। वैल्यू अब एक साथ लिख लेंगे, कितना है, 6 है प्लस का, फिर 8 है प्लस का, फिर 12 है प्लस का। माइनस वाली वैल्यू एक साथ लिख लो, -7 -9 -10। देखिए कितना हो गया, ये हो गया 20, 20 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 26 हो गया। यहाँ तक आप जोड़ेंगे तो 26। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 19 माइनस का 19, 19 में आप 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 26। यानी कि आप इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 0 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस, मैंने 26 में 26 माइनस करेंगे 0 हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है -12 में -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए इसमें -12 में से आपको -17 को घटाना है तो क्या प्राप्त होगा, -12 है, माइनस माइनस कितना होगा, +17। अब देखो 17 प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, घटा देंगे 17 में से 12 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और प्लस वाली संख्या बड़ी तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, यानी कि +5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, दी गई आकृति में छायांकित भाग के अनुसार भिन्न को जोड़कर मान लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो आकृतियाँ हैं, एक आकृति ये है प्लस, फिर एक आकृति ये दे रखी है। इसमें आपको बताया गया है कि इन दोनों आकृतियों को चार चार भागों में इसने डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, और यहाँ पे ये वाले भाग को कलर किया गया है और यहाँ पे पूरे वाले भाग को कलर किया गया है। यानी कि यहाँ पे दो डब्बे कलर हैं और यहाँ पे एक डब्बा कलर है। तो अब इसको देखिए, इसके बराबर हमको बोल रहा है क्या ये, यहाँ तक देखिए इसको चेक करके बताना है कि सही है या गलत है। तो यहाँ पे ये वाला दो भाग कलर है और ये वाला भाग, तो ये वाला बचा हुआ है। तो बताइए को जोड़कर मान लिखना है, अब इसका मान लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, इस वाले को आप सोल्व करेंगे तो देखिए टोटल कितना है, 4, 4 में से कितना भाग कलर किया हुआ है, तो 4 में से एक भाग कलर किया हुआ है, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 4 भाग, 4 भाग में से आपको दो भाग कलर किया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल। अब इन दोनों को आपको प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3, टोटल कितना है यहाँ पे, 4, 4 में से 3 भाग को कलर किया हुआ है। अब इनको आप प्लस करोगे तो आपको 3/4 आना चाहिए। सोल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, तो आंसर आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 4, इसको जोड़ें कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो गया, 3/4 इसका आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि -37 में आपको 73 को जोड़ना है तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। कि देखिए यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है यानी कि घट जाएगा, 73 में से आपको 37 को माइनस करना है, यानी कि यहाँ गया 13, 13 में तो 7 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 उधर से, 4 इधर से कितना हो गया, 6 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, माइनस करना है 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है सही जोड़ी, क्वेश्चन नंबर ये दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, अब उसको मैंने नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि उसमें जो बचेगा एक आंसर वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, 0.5 में मल्टीप्लाई करना है 7.4 का, यानी कि आपको डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई करें, कितना 5 × 4 = 20 का 0 कैरी गया 2, 5 × 7 = 35, 35 × 37 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक डिजिट दो डिजिट यानी कि 3.70 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, तो ये आंसर आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दिया गया -3.7 दे रखा है, जो कि आंसर उसमें गलत है। यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा 3.70 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें -7 में और -15 का मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 × 7 = 105 इसका फाइनल आंसर होगा। 105 इसमें आंसर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है भाई, तो मतलब ये भी गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता, आंसर नहीं दे रखा है, यानी कि इसका आंसर भी आपको गलत दे रखा है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 105 इसका प्लस का आंसर हो जाएगा। ठीक, नंबर यहाँ पे थर्ड में दिया गया है 504 / -18, अगर इसको जैसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कटेगा, तो यहाँ पे कटेगा 3 × 6 = 18 - 6 आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का तो वैल्यू आने वाली है, तो माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3 से काटा तो 3 × 6 = 18 और यहाँ पे 3 × 1 = 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 8 = 48, यानी कि आ गया माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 28 फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं
इसका फोर्थ के फोर्थ में आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आए तो डेसिमल शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, यानी कि 0.004 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, डेसिमल वाली वैल्यू 6.4 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3, 6, 9, 1, 0 कैरी 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 में यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 4, 43 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है -18/25। देखिए यहाँ पर अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत जाए तो आप इसको 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। इसको 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई है, 4 का। तो इसको जैसे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, ये ऊपर हो गया कितना 18, 4 जा 18 टेबल 18 करोड़ 36 34 18 चौक 72 हो जाएगा। तो 72 तो माइनस का 72, इसको जैसे आप डिवाइड करने जाएंगे तो ये दो संख्या बाद क्या हो जाएगी, डेसिमल लग जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस का 0.72, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसका आंसर आएगा ये, और सेकंड वाले का आंसर ये आएगा, थर्ड वाले का आंसर -28, फोर्थ वाले का आंसर 0.004 और फाइव वाले का आंसर 43 आएगा, और सिक्स वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.72, वो भी माइनस का। ठीक है, नंबर 18 के सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए। देखिए भाई, उसने क्या लिए थे, उसने बैंक से उधार कितने रुपए लिए थे, 18,500 रुपये लिए थे, उसने वापस कितने कर दिए, 21,360 रुपये ये बैंक को उसने वापस दे दिए। उसमें से उसने लिया कितना था उधार, 18,500 रुपये उसने उधार लिया था, इसने इतना उधार लिया था और उसने इतना बैंक में जमा किया, तो उसका ब्याज क्या हो गया, ब्याज बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, SI बराबर क्या होता है, A माइनस P, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो होता है जिसमें जो उधार लिया होता है पैसा वो और साथ ही साथ उसका ब्याज जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो इसने जो पैसा लिया था उतना था ही, साथ साथ उसने ब्याज भी जमा किया ना, तो ये हो गया हमारा अमाउंट, और उसने जो उधार लिया था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। इसमें से आपको माइनस करना है, देखिए यहाँ पे 0 में 0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और साथ ही साथ यहाँ पे 13 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि उसने ब्याज कितना जमा किया भैया, उसने जो इंटरेस्ट जमा किया वो कितना जमा कर दिया, ब्याज उसको 2,860 रुपये लगा गया। ठीक है, 2,860 रुपये सिर्फ उसने ब्याज ही ब्याज जमा किए हैं, तो उसका कितना हो गया था भैया 21,360 रुपये हो गए थे, यानी कि 18,500 उसने उधार लिए थे तो बैंक को जमा किया 21,360, तो उसका ब्याज कितना बन गया 2,860 रुपये, इसका सिर्फ ब्याज ब्याज हो गया था सिर्फ 2 साल में, इसीलिए ब्याज का पैसा महंगा पड़ जाता है, एक्स्ट्रा पैसा जमा कर दिया 2 साल में इसने। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह ब्याज के बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए, तो उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की थी। तो देखिए शीला ने भाई 12 महीने तक कितने कितने रुपए जमा किए हमें नहीं पता, पर उसने जाके जमा किए बैंक में 12 माह तक जमा किए, तो उसके पैसे कितने हो गए, 14,400 रुपये उसके बैंक में जमा हो गए। तो बताइए एक माह में वो कितने रुपए जमा करती थी, तो वो हमें बताना है, तो वो हमको पता है कि उसने 12 महीने में जमा किए हैं, तो 12 का डिवाइड कर देंगे तो एक महीने का निकल जाएगा, तो एक महीने का निकालना है तो 12 का डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 7 14 तो 2 2 4 0 0 तो 2 3 6 कितना हो जाएगा ये 2 3 6 2 6 12 0 0 3 1 3 3 2 6 12। ठीक है, यानी कि 1,200 रुपये 1,200 रुपये वह प्रति माह जमा करती थी शीला अब बैंक में जाके, तो उसके कितने रुपए हो गए थे 12 महीने में, यानी कि 1 साल में उसके हो गए थे 14,400 रुपये हो गए थे। तो एक किस्त का कितने में पड़ गए उसको, एक किस्त पड़ती थी उसको 1,200 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये में वो जाके जमा करती थी प्रति माह। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है, प्रथम तीन सम संख्याओं के योग में प्रथम तीन विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। प्रथम तीन संख्याओं को सम संख्याओं को जोड़ना है, ये प्रथम तीन सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6 इनको जोड़ के इसमें से तीन विषम संख्याओं को घटाना है, विषम संख्याओं को घटाना है जोड़ के। देखिए तीन विषम संख्याएं कौन सी, 1, 3, 5 इनको जोड़ के घटाना है, तीन सम संख्याओं को लगातार तीन सम संख्याओं को जोड़ना है और लगातार तीन विषम संख्याओं को जोड़ना है, इनको जोड़ के आपस में माइनस करना है,
तो जो होगा उसका आंसर लिखना है। देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 2 12, यानी कि 12 3 1 4 5 4 9, कितना हो जाएगा ये 3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये ब्रिज कोर्स का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आपको मैंने सोल्व करके बताया कि ये इसका आंसर क्यों और कैसे आ रहे हैं, ये मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन सोल्व करके बताया। आई होप दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि होगी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।